पश्चिम बंगाल में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों के खिलाफ लगातार छठे दिन प्रदर्शन की छाया राज्य के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ी। वहीं उत्तर 24 परगना जिले के दूसरे हिस्से में आंदोलनकारी भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस कर्मियों के साथ झड़प हुई। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने संदेश खाली का दौरा किया और फरार पार्टी नेता शाहजहां शेख और उसके साथियों के अत्याचार की शिकार महिलाओं को न्याय दिलाने का संकल्प जताया। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों ने भी इलाके का दौरा कर पीड़ितों से बातचीत की। बशीरहाट में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास लागू निषेधाज्ञा तोड़ने के प्रयासों के बीच भाजपा समर्थकों और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प हो गई। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों के खिलाफ लगातार छठे दिन प्रदर्शन की छाया राज्य के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ी। वहीं उत्तर 24 परगना जिले के दूसरे हिस्से में आंदोलनकारी भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस कर्मियों के साथ झड़प हुई। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने संदेश खाली का दौरा किया और फरार पार्टी नेता शाहजहां शेख और उसके साथियों के अत्याचार की शिकार महिलाओं को न्याय दिलाने का संकल्प जताया। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों ने भी इलाके का दौरा कर पीड़ितों से बातचीत की। बशीरहाट में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास लागू निषेधाज्ञा तोड़ने के प्रयासों के बीच भाजपा समर्थकों और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प हो गई।